मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या अग्निपथ स्कीम या फिर कोई और। इस बार उन्होंने 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला पर निशान साहिब के झंडे फहराने को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर निशान साहिब के झंडे लगाने को सही ठहराया। मलिक के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर निशान साहिब को झंडा फहराना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिख युवक ने किसी पार्टी का झंडा नहीं फहराया था और वहां नहीं फहराया था जहां प्रधानमंत्री फहराते हैं, लेकिन उसको ऐसा कहा गया जैसे उसने देशद्रोह का काम किया हो। पानीपत में एक कार्यक्रम के दौरान मलिक ने कहा कि लाल किला पर झंडा फहराने का पहला हक देश के प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद हर किसी को हक है, तो सिख को भी है और हमको भी है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने आगे कहा कि लाल किला के सामने ही सिख के गुरु का सर काट दिया गया क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। अगर उनकी औलाद को लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार नहीं है तो किसको है। राज्यपाल ने कहा कि दूसरे हमारे जाट वाले हैं जो हर छठे महीने लाल किले पर चढ़ जाते हैं, तो कभी किले पर कभी अकबर की कब्र खोद देते हैं, इसलिए दूसरा हक हमारा है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना का भी खुलकर विरोध कर चुके हैं। आपको बता दें कि बागपत में उन्होंने कहा था कि यह योजना जवानों के खिलाफ है, उनकी उम्मीदों के साथ धोखा है। 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी और 3 साल की नौकरी के बाद जब जवान घर लौटेगा तो उसकी शादी तक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।